जब से तुमने सोलेस ज्वाइन किया है तो बस इवाना को बर्बाद करने की ही बात करते रहते हो। नो रूही, शी डिस्ट्रॉयड मी, आई लॉस्ट एवरीथिंग। मैंने उनकी वाइब्रेशंस फील की है उसके अंदर। लिसन टू मी रूही, तुमने ये भी फील किया था ना कि रिवाना ने शायद किसी की जान ली थी। रिवेंज हमें अंदर से खोखला कर देता है। मैं ऑलरेडी खोखला हो चुका हूं रिवाना की वजह से। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं, कुछ भी। गिल्टी सिर्फ एक साइन है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। ना चाहते हुए भी मैंने बहुत लोगों को हर्ट किया है। कभी कभी हम अपने इमोशनल पेन को फिजिकल पेन में ट्रांसफर कर देते हैं। रिलैक्स। केडी यंग मेंबर्स को यूज करती है अमीर बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस को फंसाने के लिए। अपनी असलियत दुनिया के सामने छुपाने के लिए केडी कुछ भी करेगी। तभी हम केडी से सच निकलवा सकते हैं कि आखिर यहाँ के साथ हुआ क्या था। केडी रिवाना को रास्ते से हटाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। फिर हम पुलिस और मीडिया के पास जाएंगे। And then before केडी can do anything, केडी and रिवाना both in jail. सोलेस, रूही से एक और सेयांस करवाऊंगी, बट इस बार पूजा की स्पिरिट को बुलाने। तुम हमेशा हाइट से डरती थी, तो फिर बिल्डिंग से क्यों कूदे? लगता है स्पिरिट बहुत गुस्सा है। That's okay. I got my answer. अगर सेयांस के थ्रू रूही ने पूजा को बुलाया तो प्रूफ हो जाएगा कि वो फ्रॉड है। पूजा जिंदा है। तुम इधर आओ। नो स्टे। तुमने बर्बाद करके रख दिया मुझे रिवाना बैनर्जी। नाउ यू फकिंग सफर। यू शुड नॉट गो एनीवेयर। तुम्हें पता है वो मैं नहीं था। प्रियांशा, डू यू बिलीव मी? आई लव यू। आई एम सेइंग आई लव यू। I don't know. Damn it! तुम्हारे लिए तो मैं वापस आया यार. This is for you. You still love me? Of course. अश्मित?